स्वागत है आपका वीआईपी शॉर्ट्स की नई नवेली सीरीज बिंज बुक में, जहां हम आपके लिए दुनिया की वो बुक्स लेकर आते हैं जो आज भी मैटर करती है। ऐसी ही आज की बुक है डेनिस जॉनसन की 2007 में आई नॉवेल ट्री ऑफ स्मोक, जो वियतनाम इरा वॉरफेयर के डार्क कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। ये नॉवेल आज भी रिलेवेंट है और इसके कुछ की रीजंस भी है। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और हाफ ट्रूथ्स। ट्री ऑफ स्मोक्स के कैरेक्टर्स हीरोज नहीं है। विलियम स्किप स्टैंड्स एक न्यूली मिंटेड CIA ऑपरेटिव एक ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ डील कर रहा है जो ना सिर्फ थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है बल्कि यूजलेस भी है। वियतनाम वॉर के बैकड्रॉप में ये नॉवेल शेडोज, डाइवर्जेंस और हाफ ट्रूथ के ऊपर फोकस करता है। बुक में हर कैरेक्टर अपनी स्ट्रगल में है, चाहे वो लॉलेस कर्नल्स हो, असैसिनेटेड हुए लोग हो या फेथ स्ट्रिकन NGO नर्सेस। ये सब विलनी और वास्ट डिफरेंसेस का सिंबल है जो आज भी कई सिनेरियोज में रिलेवेंट है। नंबर 2, वॉर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। वियतनाम वॉर सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था। ट्री ऑफ स्मोक्स ये दिखाता है कि कैसे वॉर सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि लोगों के माइंड्स और सोल पर भी इम्पैक्ट डालती है। आज के टाइम में भी, चाहे वो वॉर्स हो, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या सोशल इश्यूज हो, ये नॉवेल हमें ये समझाने में मदद करती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का ह्यूमन साइके पर क्या इफेक्ट होता है। नंबर 3, मॉरल हेजीनेस और इनडिफरेंस। ये नॉवेल मॉरल हेजीनेस और इनडिफरेंस को हाईलाइट करता है। आज भी हमें कई ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं जहां राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये क्लैरिटी डिफाइन नहीं होती। ट्री ऑफ स्मोक ये रिमाइंड कराता है कि किस तरह से पावर स्ट्रगल्स, मिस इन्फॉर्मेशन और इनडिफरेंसेस से लोग कैसे अफेक्ट होते हैं। नंबर 4, राइटिंग स्टाइल और नैरेटिव। डेनिस जॉनसन का राइटिंग स्टाइल सोलफुल और रूफुल है जो रीडर्स को डीपली एंगेज करता है। उनका यूनिक नैरेटिव स्टाइल और विविड इमेजरी रीडर्स को 1960s के वियतनाम में ले जाता है, जहां वो खुद को कैरेक्टर्स के डिलेमास में इमर्स्ड पाते हैं। आज भी ये राइटिंग स्टाइल फ्रेश और इम्पैक्टफुल लगता है जो रीडर्स को नॉवेल के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है। इन शॉर्ट, ट्री ऑफ स्मोक बाय डेनिस जॉनसन एक टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर है जो आज भी कई रीजंस के लिए रिलेवेंट है। ये हमें ह्यूमन नेचर, वॉर के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और मॉरल हेजीनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए ये नॉवेल आज भी पढ़ना जरूरी है और हर रीडर को एक इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव देता है। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। Until next time, happy reading!